चौंका देने वाली खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक कहा जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति की तबीयत खराब हो गई है। आपको बता दें कि यह खबर उस समय सामने आई है जब चीन में एक बार फिर कोरोना का संकट तेजी से बढ़ रहा है। इस महामारी की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल छाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस समय सेरेब्रल एन्यूरिज्म से जूझ रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसी बीमारी की वजह से इन्हें अस्पताल में होना पड़ा था। दावा किया जा रहा है कि शी जिनपिंग ने सर्जरी कराने की बजाय पारंपरिक चीनी दवाओं से इलाज कराने का फैसला किया है। शी जिनपिंग के स्वास्थ्य के बारे में पिछले कुछ समय से अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि बेंजिंग विंटर ओलंपिक तक उन्होंने किसी से भी विदेशी नेता से मुलाकात नहीं की थी। इससे पहले भी 2019 में देखा गया था कि इटली यात्रा के दौरान उन्हें चलने में परेशानी हो रही थी, और यहाँ तक ही नहीं 2020 में भी उनको तबीयत को लेकर परेशानी झेलनी पड़ी थी। दरअसल ये बता दें कि सेरेब्रल एनर्जिम एक ऐसी बीमारी है जिसमें मस्तिष्क में रक्त वाहिका का एक तरफ से कमजोर होकर गुब्बारे की तरफ फूल जाना सेरेब्रल या ब्रेन एनर्जिज्म कहलाता है। यह स्थिति मस्तिष्क की किसी भी भाग में हो सकती है। बताया जा रहा है कि वह बीमारी उन व्यक्तियों में ज्यादा पाया गया है जिन्हें उच्च रक्तचाप, अनुवंशिकीय रूप से नसों का कमजोर होना, संक्रमण, चोट, मस्तिष्कीय क्षति या ट्यूमर से जूझ रहे होते हैं। फिलहाल चीनी सरकार की तरफ से इस बारे में कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। ऐसे ही तमाम बड़े अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़े रहने के लिए न्यूज़ इंडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।